कटर टेस्ट के ज़रिए हम कम्पेक्शन फाइंड करेंगे। उसके लिए जो अपरेटस हमें रिक्वायर्ड है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये कोर कटर अपरेटस है, कोर कटर मोल्ड है जिसका ये कॉलर या डोली इसको बोलते हैं। इसके साथ साथ ये इसका हैमर है, इसके बाद ये स्ट्रेट एज है, चीजल, और ये स्टील हैमर। इसके साथ साथ ये वेइंग बैलेंस है। टेस्ट के प्रोसीजर में सबसे पहले हम स्ट्रेट एज की मदद से सरफेस को प्लेन कर देंगे। सरफेस को प्लेन करने के बाद आपने कोर कटर को प्लेस करना है। कोर कटर को प्लेस करने के लिए जो शार्प एजेस हैं ये नीचे वाली साइड पे होंगे और इसके ऊपर हमने ये कॉलर लगा देना है, और कॉलर के ऊपर हमने इस हैमर की मदद से हैमरिंग करनी है और इसको पेनिट्रेट करना है सॉइल के अंदर। यहाँ तक कॉम्पैक्ट हो जाए तो उसके बाद जब आप देखें कि पूरे मोल्ड से ऊपर आ गया है और कॉलर से थोड़ा सा नीचे है तो यहाँ पे आपने स्टॉप कर देना है। अब हम ये वाली जो सरफेस है साइडों से ये हम खाली कर लेंगे और इस मोल्ड को बाहर निकाल लेंगे। ये देखें हमने इसकी साइडों से ये सॉइल निकाल ली है। ये साइडों से आप जितना ज़्यादा इसमें से सॉइल निकाल लेंगे उतना इस सैंपल को ईजीली हम बाहर निकाल सकते हैं। अब इसको आहिस्ता से हिला के आपने सैंपल को और इस मोल्ड को बाहर निकाल लेना है। ये देखिए हमने इसको बाहर निकाल लिया, इस तरह से सरफेस होगी। अब हम इस सरफेस को स्ट्रेट एज की मदद से ट्रिम करके, इस स्ट्रेट एज की मदद से इसको ट्रिम करके हम इसको प्लेन कर लेंगे बिल्कुल दोनों साइडों से। ये देखें हमने स्ट्रेट एज की मदद से इसकी दोनों साइड्स को प्लेन कर लिया है। प्लेन करने के बाद अब हम इस मोल्ड प्लस सैंपल का वेट कर लेंगे, क्योंकि अब हमने इस मोल्ड का वॉल्यूम पहले कैलकुलेट किया हुआ है। ये देखें 1104 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है। वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए आप वर्नियर कैलिपर भी यूज़ कर सकते हैं और वाटर की मदद से भी आप इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा, इसका वेट भी हमने पहले कैलकुलेट किया हुआ है जो कि 926 ग्राम है। तो अब हमारे पास जो वेट आएगा वो वेट ऑफ सैंपल प्लस मोल्ड होगा। ये 26.5 ये हमारे पास सैंपल प्लस मोल्ड है। सारा सैंपल मोल्ड में से इस पैन में लाने के बाद इसको मिक्स करके इसका हम मॉइस्चर चेक करेंगे। मॉइस्चर चेक करने के लिए हमारे पास कैन का वेट पहले से किया हुआ होता है। इसके लिए हम ओवन ड्राइड मेथड के ज़रिए हम इसका मॉइस्चर कंटेंट चेक करेंगे और इस सैंपल का वेट करके इसको हम ओवन में रख देंगे। ये देखें 926 ग्राम हमने इस मोल्ड का वेट मेजर कर लिया है। इसके बाद आपने वर्नियर कैलिपर की मदद से आपने इसका वॉल्यूम चेक कर लेना है। उसके लिए आप इसका इंटरनल एरिया चेक करेंगे और इसकी डेप्थ चेक करके दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका वॉल्यूम चेक कर लेंगे। इसका जो वेट है वो 926 ग्राम्स है और इसका जो वॉल्यूम है वो 1104 सेंटीमीटर क्यूब है। अब हम इसकी कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं।